फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अपूर्णा। आज है मंडे और अभी इवनिंग टाइम है और अभी टाइम हो रहा है 7:30। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, मतलब त्रिनान घर में रहेगा, वो अपना प्रोजेक्ट का काम कर रहा है। मैं, मेरा हस्बैंड और प्रियांशु जा रहे हैं। हमारे घर के पास ही एक मेला बैठा हुआ है, वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि कुछ सब्जी वगैरह लेना था, तो इस वजह से थोड़ा मेले में भी घूम के आएंगे। प्रियांशु का मन भी थोड़ा बहल जाएगा, तो इस वजह से अभी हम लोग जा रहे हैं। और वहाँ से आने के बाद मुझे डिनर भी बनाना है, और आज डिनर में मैं बनाऊंगी रोटी और उसके साथ चना। तो चना तो मैं दोपहर में ही भिगो के रख दिया, और आटा भी मैंने गूंद के रख दिया, और आके फटाफट से मैं बना लूँगी। और इस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक वीडियो शूट किया, विंटर स्पेशल फ्रूट्स फेस पैक, जिसका मैं वीडियो शूट किया। तो फेस पैक को मैंने अप्लाई किया था, और स्किन वॉश करने के बाद मेरे स्किन में एक शाइन ऐड हो गया। आप देख सकते हैं, एक ग्लो, नेचुरल एक ग्लो ऐड हो गया। और इस फेस पैक को कंटिन्यू करने से आपका जो स्किन टोन है वो लाइटन भी हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और इस फेस पैक को भी आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इस ब्लॉग से पहले वो वीडियो आएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अभी मैं स्किन पे कुछ भी नहीं यूज़ किया, सिर्फ थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ किया। तो ऐसे ही मैं चले जाऊंगी बाहर, तो चलिए चलते हैं। अभी अभी हम लोग आ गए हैं, तो मैं फटाफट चेंज करके किचन में जाऊंगी कुकिंग करने के लिए। और मैंने ये एक लिया मेले से, और यहाँ पे दो ट्रे हैं, और प्रियांशु एक कार लिया, दो चाबड़ी, यही छोटा मोटा कुछ लिया, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग गए थे। तो मैं पहले चेंज करके जल्दी से मैं डिनर बना लेती हूँ। तो चना मेरा बॉयल हो गया प्रेशर कुकर में, तो अभी मैं पहले रोटी बना लूँगी। तो आज मैं रोटी मेकर में रोटी बनाऊंगी, तो मैं जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। रोटी मेकर में बनाने का फायदा ये होता है कि चकला, बेलन, ये सारा चीज नहीं लगता, यही एक फायदा होता है। पर रोटी हाथों जैसा, मतलब चकला बेलन में बेलने के बाद, उसके बाद हम लोग जिस तरह से रोटी को सेकते हैं, वैसा टेस्ट नहीं आता है, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं इस रोटी मेकर का रोटी खाना। पर आज मैं बना रही हूँ थोड़ा शॉर्टकट के लिए। तो
अपने आप ही फूल के ये निकल आता है, ये अपने आप ही खोल जा रहा है। तो ये देखिए रेडी मेरा रोटी, देखिए रोटी। रोटी मेरा बन गया है, ये है रोटी। और अब मैं बनाऊंगी चना। तो चना यहाँ पे मेरा बॉईल हो गया, चना को बना लूंगी और एकदम इजी प्रोसेस आज मैं अप्लाई करूंगी चने के लिए। मैं सारे मसालों को इसमें, टमाटर है, जिंजर, गार्लिक, ऑनियन और चिली, सब कुछ एक साथ देकर मैं पेस्ट बना लिया इस तरह से। अब मैं सारे मसालों को पहले अच्छी तरह से भून लूंगी और उसके बाद चना ऐड कर दूंगी। और चना मैं आज ज़्यादा ही बॉइल किया क्योंकि कल मॉर्निंग में प्रियांशु का स्कूल है, तो कल प्रियांशु को भी टिफिन में मैं दे दूंगी चना। और सुबह बस रोटी बना लूँगी और ब्रेकफास्ट में भी हम लोग रोटी के साथ चना ही ले लेंगे। इस प्लान के साथ मैंने चना बनाया क्योंकि कल प्रियांशु को स्कूल छोड़ने के बाद कहीं जाने वाले हैं, ज़रूरत है कुछ काम के वजह से। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा चना मसाला। रेडी मेरा चना बिल्कुल ही रिच नहीं मैंने बनाया, सिंपल तरीके से बनाया और एकदम बहुत ही टेस्टी बना है क्योंकि मैं टेस्ट कर चुकी हूँ। तो ये है आज रात का हम लोगों का डिनर।
चुका है और मैं डिनर करने के बाद किचन क्लीन करके बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन करके प्रियांशु को सुलाया और उसके बाद मैं मेरा काम लेकर बैठ गई। मैं एक वीडियो एडिट कर रहा था तो लगभग मेरा काम कंप्लीट, अब थोड़ा सा ही काम है, उसके बाद मैं सो जाऊंगी। और उससे पहले मैं हेयर में ऑयलिंग करूंगी, जब तक ये कंप्लीट हो रहा है तब तक मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी। घर में सब लोग सो गए हैं, बाहर डॉगीज भौंक रहा है, तो अभी टाइम हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी 2:20। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 6:30। थोड़ी देर पहले मैं उठी हूँ और मैं कल रात को इस वीडियो को एंड नहीं कर पाई, तो इस वजह से मैं सुबह सुबह इस ब्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए स्टार्ट कर दिया। तो सुबह का वेदर देखिए, धूप अभी तक पूरी तरह से नहीं निकला है। और इधर मैंने चाउमीन बॉईल करके रख दिया। मैंने सोचा कल रात को जो चने बनाया था उसके साथ मैं सिर्फ रोटी बनाऊंगी, वही मैं टिफ़िन दे दूंगी दोनों को, पर नहीं, त्रिनायन को चाउमीन लेना था तो इस वजह से मैंने चाउमीन बॉईल करके रख दिया। इधर मेरा दूध बॉईल हो रहा है प्रेशर कुकर में। मैंने पत्ता गोभी कल रात को ही कट करके रख दिया था, वो बॉईल करने के लिए रख दिया। और उधर राइस को मैंने भिगो के रख दिया। तो अब मैं स्टार्ट कर दूंगी कुकिंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी अभी मैं प्रियांशु को छोड़ के आ गई हूँ स्कूल। अभी टाइम हो रहा है 9:30 और अब त्रिनायन की बारी है, तो त्रिनायन को मैं ब्रेकफास्ट दे दूंगी, उसके टिफ़िन भी मैं पैक करके दे दूंगी। तो त्रिनायन निकल जाएगा 10:30 को और उसके साथ साथ ही मैं भी निकल जाऊँगी, मुझे थोड़ा काम है आज बाहर। और आज मैं टिफ़िन में चाउमीन बनाया था, वही ब्रेकफास्ट में मैं ले लूँगी। और हस्बैंड के लिए मैंने रोटी बनाया, कल रात का चना है, तो यही हो जाएगा हम लोगों का ब्रेकफास्ट। और लंच के लिए मैंने राइस बना के रख दिया और उसके साथ पत्ता गोभी का सब्जी बनाया और मेथी का साग मैंने फ्राई किया। और बाहर से आने के बाद और फटाफट से मैं कुछ बना लूँगी, एक कढ़ी या और कुछ मैं बना लूँगी, अभी प्लान नहीं किया मैं क्लब क्या बनाऊँगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंट करती हूँ, सो बाय बाय।